प्रिय किसान भाइयों और मित्रों, किसी भी जीव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए और 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे लेते हैं। उनमें से कुछ तत्व तो प्रकृति में हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो वातावरण में होते हुए भी पौधे नहीं ले पाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हमारे पौधे सीधे तौर पर ले नहीं पाते हैं, अतः हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देना पड़ता है। फास्फोरस दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर पोटास आता है। तो इस तरह से 6 मैंने आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 6 मुख्य तत्व हैं। इसके बाद बाकी सूक्ष्म तत्व हैं और वो 11 हैं। कुल 17 तत्व होते हैं जो पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों के सामने समस्या रहती है, आप कहते हैं कि हमारा नींबू फल नहीं दे रहा है, फूल नहीं दे रहा है, आंवला हमारा फल नहीं दे रहा है, फूल गिर जा रहे हैं। तो एक तत्व है बोरान, जिसकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा लगती है, सूक्ष्म तत्व है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको बोरान तत्व के बारे में बताऊंगा कि बोरान न रहने से आपके पौधे में क्या कमी होती है, ठीक से रहने से उसमें क्या अच्छाई रहती है, इन सब बातों को मैं बताऊंगा और आप अपनी मिट्टी का जांच कराकर बोरान तत्व को समुचित मात्रा में देंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी और लाभप्रद होगी। तो किसान भाइयों, बोरान एक बहुत आवश्यक तत्व है, ये पौधों के कोशिकाओं में घुलनशील अवस्था में रहता है तथा उसकी झिल्ली को मजबूत रखता है। ये तत्व पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों के साथ पहुंचते हैं। वाष्पमंडल के द्वारा ये संपूर्ण पौधे में पहुंच जाता है। बोरान की गैर मौजूदगी में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कोशिका झिल्ली की मजबूती इसी से होती है। अतः तमाम पौधे की क्रियाविधि में, जैसे फूल आने में, परागण में, पराग नली के निर्माण में, दाना व फल बनाने में, पादप हार्मोन्स के उपापचय में एवं पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य बोरान तत्व ही करता है। बोरान तत्व की कमी से बहुत से लक्षण उत्पन्न होते हैं और जब इसकी कमी हो जाती है तो आप पौधे को बीमार समझते हैं। पौधे की जड़ों का विकास कम हो जाता है और विकृत हो जाने से पौधा झाड़ी नुमा हो जाते हैं। पत्तियों की आकृति बिगड़ जाती है, कलियां कम बनती हैं, फूल और बीज भी कम बनते हैं। फूलों में निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि परागण और पराग नली के लिए बोरान आवश्यक तत्व है। अधिक फल और फलियां गिरने लगते हैं, तने और पत्तियों पर के डंठल पर दरारें पड़ जाती हैं, कभी कभी पत्तियों के सिरों पर भी ये दरारें देखी जा सकती हैं। तना व पत्तियां मोटी होकर टूटने लगती हैं, नई कलियां बनना बंद हो जाती हैं, वृद्धि वाला भाग मुरझाने लगता है, जैसे पौधे की शाखाएं ऊपर से सूखने लगती हैं, जिसको शीर्षारंभी क्षय कहा जाता है, अंग्रेजी में डाईबैक कहा जाता है। इस तरह से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। बोरान को छिड़काव द्वारा अथवा ड्रिप सिंचाई के द्वारा खेत में बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर किया जा सकता है।
बोरान की अधिकता भी पौधों पर विषैला प्रभाव डालता है, अतः जांच कराकर इसका प्रयोग किया जाए, उचित मात्रा में ही प्रयोग अच्छा रहता है। किसान भाइयों, धान्य फसलों में जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसमें बोरान का छिड़काव का घोल जो होगा 2 से 4 PPM होगा। PPM का किसान भाई समझ लें कि 10 लाख भाग पानी और उसमें 2 से 4 भाग बोरान घोल करके 2 से 4 PPM का घोल बनाया जा सकता है। यदि आपको दलहनी फसलों पर बोरान का छिड़काव करना है तो ये 25-26 PPM का होना चाहिए, जो लाभकर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोरान तत्व क्या क्या काम करता है। फसलों की जड़ों में यदि बोरान होता है तो गांठें अधिक बनती हैं। गांठ से मतलब आप ये समझिए, जो नत्रजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली बैक्टीरिया गांठ बनाती हैं। बोरान अधिक समुचित मात्रा में रहता है तो गांठ अधिक बनती है और नत्रजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। फलदार पौधों में, बेल वाली पौधों में तथा अन्य सब्जियों में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ती है यदि बोरान रहता है तो, और इसके कारण फलों में विटामिन सी की सांद्रता भी बढ़ती है, इसलिए बोरान की मात्रा इन फलों पर सब्जियों पर 30 PPM का घोल का छिड़काव होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। फूल गोभी में फूल का डंठल खोखला जाता है और फूल ऊपर से भूरा दिखाई पड़ने लगता है, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और देखने में भी खराब लगता है और मार्केट का मूल्य, बाजारों मूल्य उसका कम हो जाता है। किसान भाइयों, आलू के फसल में यदि बोरान की कमी होती है तो आलू फटने लगता है, लेकिन यदि बोरान समुचित मात्रा में है तो आलू फटता नहीं है और इसके छिलके चमकीले होते हैं, जिससे बाजार में मूल्य अधिक मिलता है। दलहनी फसलों में यदि बोरान आप समुचित मात्रा में है तो इसके दाने अधिक बनते हैं, दाने सुडौल बनते हैं, जिससे उपज अधिक होती है। किसान भाइयों, नींबू के फूल अधिक आते हैं, फल झड़ने की समस्या नहीं रहती है, फल लगते हैं, फल गिरते नहीं है। यदि मक्का में बोरान का उपयोग आप करते हैं समुचित मात्रा में तो बालियां दानों से पूरी तरह से भरती हैं। किसान भाइयों, टमाटर में बोरान की कमी होने से मैं बताऊं कि फल फटने लगते हैं, लेकिन यदि बोरान रहता है तो टमाटर के फल फटते नहीं हैं, सुडौल और सुंदर होते हैं तथा पौधे की लंबाई बढ़ती है। बोरान तत्व एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस तत्व की पूर्ति समुचित मात्रा में अवश्य करें, जिससे कि आपको लाभ होगा। आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने खेतों में बोरान की समुचित मात्रा डालेंगे और अच्छी फसल प्राप्त करेंगे और अपने अगल बगल के किसान भाइयों को बताएंगे और सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर न हों सब्सक्राइबर बन जाएं, और जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपकी सेवा में रहेगा, आप देखेंगे, आप लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।